गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग सुबह सुबह तो नहीं, आज थोड़ा सा लेट हो गए जिम के लिए, तेरी वजह से भी होता है क्योंकि मैं सो के नहीं उठा। एंड दिस गाय इज जस्ट कॉपिंग माय स्टाइल। जैसे कि आपने, जैसे इसने सॉक्स थोड़ी बड़ी वाली पहन ली और देखो मैंने आज ऐसा पहना हुआ है, तो इसने खुद अभी बोला कि मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी, ऐसा लग रहा है कि तूने कुछ न्यू वो पहनी हुई है टाइट। तो कॉपी और कितना चंट आदमी है, वहां से अंदर से मेरी सॉक्स निकाल के ले आया, कहता सुन मैं वाली पहन रहा हूँ, और जबकि उसी सेम उस थैली में ये वाली सॉक्स ही पड़ी, उसको ये नहीं दिखी। साफ बोल, देखो वो नाइकी का लोगो दिखाना था, सस्ता लोगो जो आधा मीट भी रखा था, खा जा माँ कसम आधा मीटा हुआ था, एक साइड से ओरिजिनल है तेरी कसम, वो से बोल रहा है फालतू। चल भाई डाइट वाइट ले ली, चल अब भाई तेरे चक्कर में लेट हो गए, कॉल नहीं आया किसी का, कॉल वॉल नहीं आया, उन्हें पता है ना आ ही जाएगा, उनको लग रहा है नहीं आएगा, इसका दो दिन हो गए, उन्हें पता है उसको, दो दिन हुए स्किप नहीं करता। तो जिम से सीधा आने के बाद हम लोग रेडी वगैरह हो गए, मैं थोड़ा सा रेस्ट करा है, ये तो पता नहीं कोई कौन सा जिम करने जाता है मेरे को नहीं पता। मैं डेढ़ घंटे में वापस भी आ गई थी घर, आना जाना सब कुछ हो गया था, ये बंदा दो दो घंटे में आ रहा है, क्या चक्कर है, कौन सी बॉडी बन रही है तेरी वहां पर, खतरनाक, हैवी वर्कआउट, बहुत हैवी वर्कआउट करता है, बट ऐसा नहीं है यार, डेढ़ घंटे में हैवी वर्कआउट कर सकते हो, बट बहुत ही लेट आता है, पता नहीं क्या करता रहता है, लड़कियों से मिलने जाता हूँ छुप छुप के, मेरे को भी डाउट है करने के बाद, मेरे को लग रहा है डाउट है। दियोर? आज मैं गई नहीं ना ऐसे, कल ऐसे कि मैं अपने जिम से पहले इनके जिम में चली गई थी, आज मैं गई नहीं, मेरा मन ही नहीं करा, फिर वो कॉल करके बोल रहा है कहाँ पर है तू, तूने कॉल क्यों नहीं करा मेरे को भाई, इसको था कि मैं आ जाऊँ, मैं तेरा वेट कर रहा था कि अगर तू आएगी ना तो मैं तेरे साथ ही निकल चलता, फिर मेरे को लगा कि मेरे को लग ही रहा था कि टाइम लगेगा, मैंने कहा मैं क्या ही करूंगा आधा घंटा वहां बैठ के, मैं घर गई अभी से मसाज वो मसाजर से वो करवा लिया, मशीन लेके नहीं आई होगी तू, लेके नहीं मतलब लाई है, मतलब ये कहाँ लिखा है कि जो बंदा जिम करे तो सारे मसाजर लेके चलना पड़ता है, नहीं अभी ले आती तो मैं भी कर लेता यार, मतलब कोई सेंस ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग में भी क्यों आएगी ये चीज, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। दे ना चॉकलेट, चॉकलेट देखो ये ना मेरी चॉकलेट है प्रोटीन बार, मैंने फर्स्ट टाइम कल ली थी और वही खा रही थी, अब इसको चुलोगे कि अच्छा पर ही प्रोटीन खा रही, तो मैं भी क्यों क्या हुआ तूने अभी, आज तो टी शर्ट उतार दी थी जिम में मैंने, लास्ट में उतार के शरीर देख रहा था, ये तो मतलब ये हरकतें कर रहा है जिम में, टी शर्ट ही उतार रहा है और क्या, सही है वहाँ कोई लड़की नहीं है, टी शर्ट ही उतार रहे वहाँ पर बैठ के, तो क्या हो गया, नहीं ये कौन सी तमीज टी शर्ट उतारने की, तो घर भी ऐसे आएगा जा ही मत कर टी शर्ट पहन के, ऐसे जाकर घर से बिना टी शर्ट के जिम आपको दिखाता हुआ, देखो मैं पंप हो गया शरीर, मैं जा रहा हूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं तेरी तरह, तू टी शर्ट उतार के जा, अभी भी टी शर्ट उतार के बैठ जा, लड़की बैठी है ना भी साइड में इसलिए नहीं बैठ सकता मैं लड़की हूँ, did you just said यार मेरे एक तो फोन में इतना स्पेस इशू है, मतलब मैं यहाँ पर बड़े करती रहती हूँ और वहाँ पर लिखा आता है स्टोरेज फुल, कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाता, नया फोन खरीदने की जरूरत है, बट मैं नहीं खरीदती क्योंकि ना बर्थडे भी आ रहा है मेरा, तेरा बर्थडे भी आ रहा है क्या, पता है दिसंबर में आया था, तो अभी नहीं से भी अभी जरूरत नहीं है फोन की, चला लूंगी मैं काम। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गाजियाबाद, क्योंकि आज है आरबी की छोटी बहन का बर्थडे जिसका नाम है समीक्षा, प्यार से उसको बोलते हैं गुड्डो, गुड्डो बड़ी हो रही है आज उसका बर्थडे है, पहले पर हम जाएंगे वहाँ पर शूट कराएंगे, क्योंकि हमारा ना 6-7 दिन से शूट नहीं हो रहा है कि साहू जी आई नहीं रहे दिल्ली, क्योंकि साहू का जो बड़ा भाई है ना वो गया हुआ है गाँव अपने, तो साहू को सारा घर का काम संभालना पड़ रहा है, दुकान वकान का, वो आ सकता था आज पर वो नहीं आया, उसको मैं वहां जाके बताऊंगी, तो फिलहाल चलते, मेरे को इतनी भूख लग रही है ना, इस बहन तो ठूस लिया इतना सारा कुछ खा लेता है, और जब मेरे को भूख लगती है ना तो ये खिलाने लेके नहीं जाता कभी भी, खाया करो ना एक टाइम पे भाई, एक टाइम पे क्यों, जिस टाइम तूने खाना खाया था मैंने भी, अबे मैं वेज खाती हूँ तो देख रहा तू कितना खाता है, क्या क्या खा के आता था तू, इतना ठूसता रहता है, चिकन ही तो खा गया और क्या खाया, अरे चिकन खाया उसका वो गोल गोल वो खाया सलामी, तो क्या हो गया, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं ऐसा कोई शो ऑफ वगैरह नहीं कर रही, बट यहाँ पर जिम आउटफिट बहुत प्यारा है, ये जो पूरा सेक्शन है जिम आउटफिट का है, और ये ना हम जैसे इचने में घुसने, हम ना गुड्डो के लिए गिफ्ट लेने आए हैं, ठीक है, तो क्या था पर यार ये ले ले, ये ना जिम तेरे को बहुत प्यारी लगी, जिम में पहन के जाइए उसको वगैरह वगैरह करके, मतलब यार दो दिन ही हुए यार, इतनी खुशी किस बात की है, बट प्यारा है यार, अच्छा है अंकल, लेने तो हम गिफ्ट आए थे यहाँ, मैडम अपने लिए शॉपिंग करने लग गई, दो दिन गई नहीं जिम, जिम के आउटफिट जिम वाले सेक्शन में घूम रही है, देख लो अच्छी लगेगी, अबे अच्छी लगे जिम ही तो करना है, क्या हो गया, एक ही है मेरे पास, एक ही वो पहन के जाऊंगी डेली।
हाँ तो एक ही मेहनत कर, एक ही महीने मतलब हाँ ऐसे और क्या, तो उसे जिम से आओ, उसे धो के सुखा, फिर अगले दिन पहन के जा, स्ट्रगल कर। अभी तू भी कह रहा है कि चलेगा ऊपर, मैं भी, मैं तो नहीं, मैं तो इसी में चला जाऊंगा जिम जो पहन रखा है। चलने के बाद हमने गुड्डू के लिए ये वाली ड्रेस ली है, क्योंकि ना ऐसे हमें आइडिया नहीं वो किस टाइप का ज्यादा पहनते, बट ये इसमें सुंदर भी लगेगी, वो गोरी सी है, सुंदर भी है बहुत, और सुंदर लगेगी है ना, और उस टाइप के पहनती भी है जितना मैंने उसको देखा है। तो बाकी को उसको पसंद नहीं आएगी तो वो चेंज करा लेगी खुद से इसको, है ना। मैं ले आऊंगी उसको दोबारा आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। और ले लूंगी जिम आउटफिट, कहे तो सॉक्स लेनी है ना, बस प्यारी प्यारी जिम के लिए। मजनू के टीले में भी अच्छी मिलती है, तो मैं कॉपी करा था उन्हें, मेरी सरोजनी की थी, लेकिन वो सॉक्स ऐसे मेरी है। What is this language? ये घूसा मारूंगा पलटते हुए गिरेगी। वाह विशाल ये ले ले, वो भी अच्छी लगती है शॉर्ट भी। मेरे को भी कुछ हो रहा है क्या यहाँ? इतने तो अच्छे नहीं है, सब अच्छा है, बस देखने वाला बन। ये देख आज उन्होंने टी शर्ट उगाई थी ना, इसको पहन लो, उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टी शर्ट, ये हाफ वाले को। अरे नहीं अच्छा लग रहा है विशाल, ओ माई गॉड जिम का देगा, कितना स्मार्ट लगेगा इसमें तो। चला मत चल, ले 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 ले, मेरे को बैसी करवाया तूने, चल ले जल्दी, मेरे को तो पता ही नहीं था कि बॉयज का भी होता है, ले ले एक्स्ट्रा स्मॉल। अबे पागल है क्या, जिम में क्या फैले हुए कपड़े कौन पहनता है, फंकी बन के जा रहा है कि जिम करने जा रहा है। जितने खुले कपड़े पहनो उतना कंफर्टेबल रहता है इंसान, जिम में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहो। अब देख इसमें बड़ा साइज मिलेगा ही नहीं, इतने ही आते होंगे, क्यों पागल है क्या, एल भी आता है, देख एक्सेल भी आता है भाई। अबे कितना बहुत एल ले ले इसमें तो, बड़ा मत ले, ये बहुत विशाल, साइड भी तो देखनी है ना, ये तेरी कमर तक दिखेगी, पूरी कमर दिख जाएगी इसमें, एल ले ले चुपचाप से, कमर देख लेंगे क्या हो गया, पागल था इतना बड़ा बड़ा साइज ले लेता है ये इंसान। मेरे को ताने दे रहा था गुड्डू का बर्थडे गिफ्ट है, अब खुद देखो इसके हाथ में कपड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 कितना मत अजीब है यार तू। और ये देख ये वाली शर्ट ऐसे पहना कर, पर तू बहुत स्मार्ट लगेगा, एकदम चॉकलेटी बॉय। नो मत पहन, निकल मैं जा रही हूँ नीचे। अबे यहीं खड़ी हो नहीं, क्यों बता बता भी, क्या बोला तूने, क्यों खड़ी हो, खोल दूंगा तुझे नहीं तो, बता क्यों खड़ी हो, पैंट थोड़ी खुली सी, पहले बता क्यों खड़ी हो, कपड़े देखेगी ना यार तू, सिलेक्ट नहीं कर पाता ना कुछ। तो मैंने अभी ये आउटफिट पहना था लेकिन परी को पसंद नहीं आया, मैं दिखा के आया था बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर रही। तो पैंट तो सही है बिल्कुल फिट, शर्ट उसे अच्छी नहीं लगी, कह रही कुछ अलग नहीं है। बाकी अभी थोड़े से और कपड़े इन्हें करते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं साथ में। एक ये आउटफिट है जो मेरे को थोड़ा सही लगा, मतलब अच्छा लगा। एक मैंने इसके पहले ये वाली शर्ट ट्राई करी थी, ये भी अच्छी लगी, परी को भी अच्छी लगी मेरे को भी, और ये तो मैं पक्का कह रहा हूँ उसे अच्छा ही लगेगा। आप लोग को कैसा लग रहा है आप भी कमेंट करके बताओ भाई, चलो उसके पास चलते हैं। तो भाई उसने मेरे को बोला कि ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है वेस्ट का, तो अभी उसने छोटा साइज़ दिया है, तो ट्राई करके फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे को तो ये सही लग रही है यार, भीड़ डाली सी कंफर्टेबल, क्या ही दिक्कत है ना। चलो इस जगह पे इतना ट्रैफिक है, पूछो मैं, इतना ट्रैफिक, और वो देखो आगे हमारी गाड़ी फंस गई, वो गड्ढे में ही फंस गई, देखो जाने में। गड्ढा बड़ा है? गड्ढा नहीं है, मतलब वैसा है थोड़ा सा, कच तो है विशाल, हाँ गड्ढा है विशाल, गड्ढा है नीचे देख भाई, तू देख के चलाइयो कि तू भी फंसा दे, नहीं चढ़ा दूंगा भाई पागल। पर वो कैसे निकलेगी गाड़ी, निकल ही नहीं रही यार, बहुत ज्यादा ऑल्टो वाला राइट मिलेगा, मैं भी राइट में घुसा दूंगा। वो यार किसी को तो करना पड़ेगा कुछ हेल्प, अकेले नहीं निकल पाएगी गाड़ी, पीछे से गाड़ी वो मार दे थोड़ी, गाड़ी है नहीं निकलेगी तब भाई। लड़की कैसे गाड़ी चला रही है यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, टच हो रही है, देख होगी 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 होगी, अबे क्या कर रही है यार, इतनी भी चिपका चिपका के क्यों चला रही है, शीशा तो बंद कर ले, मेरी तरह से बोल रही हूँ ये, ए, ए, अरे माचो मैन इन द हाउस यार, ये बहुत गलत, तू थोड़ी दूर रख अपनी गाड़ी ठीक है, अभी इन्हीं दीदी की गाड़ी थी जो अटक गई थी, वो सीधी नहीं हो पा रही थी, हाँ गुड, किसी को नहीं गिराया मैंने आज तक,
कोई खड़ा ही नहीं हुआ ना स्कूटी पे, मतलब ऐसे स्कूटी खड़ी हो साथ में भी बैठा हुआ ही नहीं। मैं तो उधर जाता हूँ स्कूटी रुकती साहू बैठता आराम से। वजन ही कितना है अब ही बैठ जाता है। कितना वजन है यार कसम से पिछली क्यों जब चलान कट गया था आज कोई पनौती नहीं लगा ट्रैफिक में तो उसके उसके मेरे चक्कर में लगा। विशाल बताएगा विशाल साथ आया आज कुछ हुआ विशाल गलत तो मैं थोड़ी लगा वैसे हुआ है तो कहना चाहता है मतलब परी पनौती है पनौती बोल रहे तू मेरे को लकी जाम हूँ इसकी सेफ चलना चाह रहा है। तेरी लकी जाम कौन थी मैं थी ना टाइम पे जैसे ही मैं गई बर्बाद हो गया तू देख लो दाढ़ी कितनी आ रही है फिर लग गया इस गेम में। पहले ना मैनुअल करता था सीसा डाउन खच 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 तो उसका आदत नहीं है ऑटोमेटिक की शीशा खुला छोड़ दिया था गाड़ी का बटन वाले की आदत नहीं है ले नहीं खड़े रहते ही। What is this language? कह रही चले नीचे आगे जाएगी ऊपर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. अरे और अरे विशाल वो तो ले आ। अरे हाँ जमा। Happy birthday dear डिगी। But गुड्डू बहुत प्यारी लग रही है आज। गुड्डो बहुत प्यारी लग रही है आज। हाँ क्यूट 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 नाइस लुकिंग ब्यूटीफुल तो लगेगी ना तू ना तू क्या लग रहा है आगे इंसान वो लग रहा है आज तो शेप पड़ रहा है चार बच्चों का बाप। अरे मेरा बापू मैं चार बच्चों का नहीं तेरा बापू अभी बता मतलब ब्लॉग चल रहा है बता बाप कौन है अभी बता जब उसे तेरे को ब्लॉग में बोल दिया नहीं जब उसे तेरे को ब्लॉग में ऐसे बोल दिया लैंग्वेज तू भाई चार आया छोड़ दिया मैंने ब्लॉग के बाद बता ये पता है क्या लगाती है दीपक में दीपक ने इसका मुंह बंद कर दिया ले इनका लहजा है मेरा लहजा मैंने कहा नहीं दीपक तुम्हारी बड़ी बड़ी रहती है दीपक कह रही है तुम्हें इतना कुछ बोलता तुम इसको बोलते क्यों नहीं हो दीपक ने दे दिया जवाब फिर चुप हो गए फिर ना दीपक मैं चुप हुई थी चुप तो अबे जान के लैपटॉप लेके बैठा था कि लगे कि बिजी है कुछ नहीं रिफ्रेस कर रहा है बस केक खाने के चक्कर में तुम फंसवा दी तुमने इन लोगों। अरे कैसे दे दिया तूने एक मिनट इधर आ कैसे कैसे दे दिया हैप्पी बर्थडे अरे नहीं वापस करो जब केक काटोगे तब देंगे हम किधर अभी अभी नहीं देंगे केक काटने पे देंगे नहीं अच्छा नहीं लगता अरे नहीं यार जब केक काटने अच्छा लगता है एक बार ऐसी हो गई थी इसने विशाल को गिफ्ट दिए थे विशाल किसकी लड़ाई हुई पहली बार गिफ्ट वापसी करने अरे 400 रुपए की शर्ट थी बहुत पुरानी बात है स्कूल टाइम की वो अंगूठी भी अपने नाम करा ली थी पहले कभी वापस ना ले जाए विशाल ये जो विशाल ने गिफ्ट करा है मेरे नाम की तूने इसको गिफ्ट की थी हाँ पहले अपने नाम करा ली लड़ाई हो जाए कभी लड़ाई हो जाए विशाल ना ले जाए चंटू अरे अंकल आंटी का है माय गॉड क्या लिखा है समीक्षा प्रोफेशनली नाम कह रहा मुस्कान ये मुस्कान कौन है मुस्कान है मुस्कान प्यार है भैया का ले मेरे को मिनट मिनट में आ रहा है मुस्कान कुछ ना है भावना देती है सो गई मुस्कान लाओ वो दे लाइटर माचिस होती है घरों में लाइटर किसी घरों में होता है अंकल के पास रहता है ना केक के बराबर ये क्या है क्यूट सा लग रहा है यहाँ रख दो इसको यहाँ पर ये एक्सपायरी है ध्यान से खाइयो भाई आज नहीं लाया इसलिए जलाने के लिए तो दे कुछ लाइटर ले आओ घर से आओ ले इधर से अंकल के लाइटर आप इसको आ रहा था चलो भाई केक काटेंगे जा रहा अरवी सामने जा खड़ा हो गया यहाँ पर आके बेशरम सा अच्छे से बनाइए मैं भी डाल दूंगी अरे नहीं नहीं मैं ब्लॉग बना ब्लॉग बनाती हूँ यार अरे काम है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे गुड्डो हाँ गुड्डो हैप्पी बर्थडे अब सुनो हैप्पी बर्थडे टू यू
एक खाने वाले सर केक खिलाओ सबको क्या मेरे से बोल रहा अरे काटने दे नहीं रहे मम्मी पापा के लिए आए जो नहीं पहली बात तो बताओ अरे तबियत खराब है अंकल आंटी की पूछ लियो तो जवाब मिल जाएगा अरे इसलिए तो अरे दीपक सारा खा जा रहे ये नहीं कि हमें भी पूछ लो ओके अभी तुम सबकी क्लास लग जाएगी फिर क्या होगा अभी पूछेगा किसी को केक मिल गया ना इसे ज्यादा लगा गाना भैया डिस्कशन चल रहा है किसी बात का क्या नहीं लगेगा यार गुड्डो मेरे लिए ना एक पीस निकाले ना अलग से कटोरी में सारा नहीं खा लेके कहा जाऊंगी केक बस एक खाना खाने के बाद खाऊंगी केक कटोरी में अरे भाई चलो 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 क्या क्या है ऐसे वो पहनती है ना आउटफिट नहीं पहनती अरे वो तुम्हारी भैंस इसमें डीप नहीं है कुछ ही तक रहेगा बस ठीक है हो गया थैंक यू कितने बार गले मिलेगी अब क्या है कुछ नहीं है जब उसने इग्नोर कर दी थी फिर बाद में घूम फिर के इसी ड्रेस पे आ गई अरे कटोरी और चम्मच ला दियो नहीं पहले खाना खाऊंगी फिर केक खाऊंगी क्या खाया जा रहा है तो ये ले जा बाद ले जा बाद में ले खा रहा था तो देख कैसे भिड़ रहा है अपने घर में बैठू भाई लेटू भाई उसमें क्या दिक्कत है कितना इंसल्ट करते हैं ये सबके सब एक दूर से लाइन से पिटेंगे क्या रहे सबके सब एक लाइन से पिटेंगे मेरे से होता है इतना होगा तो तुम इतना कर देते हो गए बुला के लिए खा के नहीं पता चल जाए कितना अरे मैंने सुनी है ना उनके सामने तो सूख के चले गए ठीक है अब तो छूट गया फेंक दे दो उसको भाई एक सेकंड मुझे पहले बात कंप्लीट तेरे पे एक बैग था एक बैग मेरा कैमरा बैग था सुन ले पहले ऐसे करके और ऐसे करके गेट कैसे खोलता तो मुझे बोलता मैं खोलता तो डिब्बा फेंक के खोलना तू गेट डिब्बा साइड में रखा मैंने गेट खोला तब बाहर गया डिब्बा भाई मुझे गेट से बाहर निकल के डिब्बा खुल गया भैया जी का फोन आ रहा है चलो कार्ड देख रहा है इसका फोन आएगा देखा था मत करो देख मत मुझे हेलो मेरे को तो लगा कि भैया ने नहीं सकते हां बस 15 मिनट चार बजे हां मैं साइड में रख रहा हूं कह रहे कह रहे ले आओ ले आओ ले खा ले अरे खा लूंगा ये तो बाद में खाऊंगा दीपक सैंडविच खा लो अभी खाओ ये सब चीजें बाद में खाएंगे जा अरे इधर कर दे तू और मेंटल है देख कितने सफाई से कर रहा हूं मैं देखी होगी देखी है सफाई ठीक है तो आप कल से आ जाना आप हमारे यहाँ काम पे रहने तो सबके सब गाली सुनने को तो अंकल नहीं गुड्डो देख 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 कैसे डाल रहा है सुनो थोड़ी है उधर आया ना कहीं पोछा लेके यही लगा दे अरे नहीं मैं अंकल क्या हूँ करता रहता है क्या मतलब इनका दोस्त है भाई खाना नहीं मिला मैं तुम्हारी पार्टी में बोल रहा हूँ जब से बैठे पार्टी थोड़ी है ये पार्टी दावत है और क्या दिस इज नॉट दावत मुफ्त का खाना मिल रहा है दावत ही दावत है अरे
अच्छा बड़े ये पार्टी ही है भाई, मुफ्त का खाना मिले तो पार्टी होती है वो। पार्टी तो वही होगी हरी लाइटों में जो देख के आए अभी। गली तो ये ग्रैंड पार्टी हो जाएगी बताओ। गली नहीं बट है वेज वेज है भाई। पनीर देख नॉन वेज लग रहा पूरा। देख उठ के देख एक बार। प्लेट लगा रही क्या? दे नहीं रहा क्या तू खाने को? दीपक खाना दो यार, दिल्ली से आए हैं कि बस जा रहा हूँ। उसमें करना है क्या यार? सब ऐसे खा लेंगे, प्लेट एक्स्ट्रा नहीं है भाई। इसमें सब्जी डाल दी और रोटी निकालो खाओ पिज्जे के अंदर। और क्या तो मम्मी को धोना पड़ेगा काम यार। एक मेरे को दे बस एक प्लेट। बिन फालतू की है एक प्लेट यार। हम तो एग्री हो जाएंगे। हम तो दीपक आ रहा है एग्री हो जाएगा। वो चौड़ में बोले इधर से है ना। ये दीपक ने छूट दे रखी है ज्यादा। दीपक कुछ बोलता ही नहीं ना इनको। छूट ना दे रखी होती तो मार देते। मैं नहीं समझती दीपक, मैं नहीं समझती। अभी कोई देख रहा हूँ यार भी नहीं समझता। तुम भी नहीं समझते। तुम क्या हंस रही है कर रहे हो? समझता ही नहीं होगा। आगे हो ना, सोनी को बोलते पैक कर देगा। दावत शुरू हो गई। इसके इसके घर चले जाओ। अच्छा यार वहाँ को मजा आएगा भाई। समझा कर नहीं, तू नहीं रहेगा तो मजा ही कहाँ आएगा। ना मैं चल लूंगा, मैं चलूंगा इसके घर। चल लूंगा वहाँ पे तो मजा नहीं आएगा। मजे की दिक्कत मजा तुम हो बैठे तुम तो ये सो रहे हैं। मतलब खाना खा के बैठे एक कटोरी। अच्छा अच्छा। अरे भाई सब आगे आ रहे हैं। पहले बैड गंदा होता, पिछली बार सुअर बना करके पूरे बैड। हाँ व्लॉग में भी था, तुम्हें ढंग से साफ करना भी नहीं आया था। हाँ व्लॉग में देख के तुमने कुर्सी आगे कर लेना भाई। कुर्सी नहीं नहीं यहाँ मत, नाली में बैठा है क्या कुर्सी? आगे तो क्या भाई आ गया हट पीछे आ गया आठ उस टेबल दूर करना आ खा दिखाई तो देने ला तो खाएगा क्या यहाँ इसको जाने भी दे दो एक अरे तुम साइड तुम खाना मत खाओ, तुम सैंडविच खाओ, सैंडविच खाओ बस। अरे आए तो सारे सैंडविच दे देना, पीछे खाता रहता मैं खा लेते। इसको देखो बुला रहा मैं। अरे ये टेबल यहाँ पे पागल है क्या? हट आ भाई देख ले मैंने खा ले उठो। आने का हाथ नहीं लग रहा तू नहीं आएगा देखे उधर जाओ। अरे तुम्हारा बर्थडे तुम तो खा लो भाई। नहीं खाती ये क्या बात होती है? खाने के देख ले मैंने हाथ में लगाया जब तक तू नहीं आएगा। तेरे साथ ही लगाया करो स्टार्ट करो स्टार्ट। उसने नहीं उठाई पर अभी तक रोटी, तुम कैसे उठा रहे हो? आप लोगों ने दीदी को तो दिया नहीं खाना और कुछ लग गया। बहुत गंदी बात है। खुद की सेवा है लेते रहो नहीं मिलेगा नहीं। तू नहीं खा रहा फिर तो तुम्हारे पैसे पहले गेस्ट को खिलाएगा। पहले गेस्ट को देख इससे पेट भरेगा। अरे होता है यार पानी। अरे खा ले यार भी अच्छा नहीं लगता। अरे खाऊंगा ही नहीं, तुम खाओ ना। अरे बर्थडे है। अरे आज बीच में ज्वाइन करता है ऐसे स्टार्टिंग दिन का था। अरे वो उसको लग रहा कम पड़ेगी तो तुम्हारा लाए। क्यों नहीं खा रहे अभी मैं बता दूं? जितना हम एक दो तीन चार रोटी खा लेंगे ना एक झटके में खा लेंगे। ये बात तो है, इसकी बात तो है। इस चीज से तो स्पीड फास्ट है। दर्द आगे कम ना पड़ जाए। अरे टेंशन ना लो, तुम्हारे कम पड़ जाएगी तो ऑर्डर जाएगा। खराब बैठा है क्या? कम पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। मुंह में मारूंगा मैं बाद में बात उन्होंने कहा मेरा वो कहा गिफ्ट कहते कि मैं गिफ्ट दूंगा और मेरा काम ऐसा गिफ्ट देंगे कि तू रो जाएगी गिफ्ट देख के। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर गिफ्ट नहीं आया ना तो एक भी जुल्फे नहीं छोड़ूंगी मैं सिर पे। भाई शूट करते करते मैं लेट हो गई, दुकान ही बंद हो गई। तुम्हें दीजिएगा गिफ्ट दीपक
दीपक ने गिफ्ट दे दिया क्या दिया अपने अरे दिया क्या है पर दीपक बताओ तो मार्केट में बिकती भी नहीं है भैया ले जाओ डिस्काउंट लगा दूंगा तू क्या लगा गुड्डे को पता कर लेगा मैं गया सामान लेने करा भैया मेरा हाथ जोड़े पैसे नहीं है मैं तेरे पैर पकड़ लेता हूँ मेरे पैसे नहीं है और तूने क्या दिया कम पड़ रही थी अब बताओ तुझे कम पड़ रही थी तुझे कम पड़ रही थी या तुझे कम पड़ रही थी अभी इतनी सारी बची हुई है इस पे ये भी नहीं खाई जा रही तुमने इसकी स्टोरी लगाई क्यों मतलब तुम उसके होने पे इतने खुश क्यों हो मुझे ये बता मेरी छोटी बहन ही तो है कहते कि यार उसे ना डर है कि कहीं मुझे कुछ चुरा लेने मेरी सारे इतना बड़ा इंसान है कोई चुराने वाले भी सोचेगा अरे इतना बड़ा इंसान है कोई चुराने से पहले भी सोचेगा क्या करूँ इसका समझते हो हाँ तो भाई अब क्या कर रहे हो नहीं दीपक मैं समझती हूँ बस मैं हंस जाती हूँ विशाल देख तू ये समझ में आ रही है क्या ये तो इसकी एडिटिंग कौन करेगा ये इसकी टर्न है भाई अपने टर्न पे ले लियो देख इसके मुंह काट मत काटियो करेगा वहाँ जाके वैसे करेगा नहीं में दिक्कत पता चलती हाँ। पहली बात तो मैं बिना कुछ सामान लेके आई हूँ अच्छा। मैं मतलब नहीं रुकने का यहाँ कोई मतलब नहीं है भाई आज से इसके घर नहीं रुकना किसी को भी वहाँ कोई मतलब नहीं हमारे उसने क्या पूछा तू रुक सकता है मैंने बोला मैं रुक सकता हूँ मैंने नहीं बोला मैं रुक रहा हूँ तू रुकेगा तू ठीक है मैं रुक रहा हूँ लड़ाई हो गई भैया पर कानवन सब लाल हो गए इतनी देर में नहीं गंद बात है यार हमेशा से गंद करता है घर से बोल के आया था फिर लेकिन यार मेरे ये बात तो है बता के लानी चाहिए अभी तो रात में जा गया यार थोड़ा रेस्ट कर लो सही बात है यार ऐसे बैठ के बात कर लेंगे सुबह निकल जाना था थोड़ी दिन से निकल दी नहीं क्या नहीं जा रही हूँ मैं अपने घर वैसे चार पाँच बजे तक सोई नहीं ये नहीं यहाँ पे बात कर ले निकल जाइए सुबह क्या होगा कैमरा लगा मेरे घर में तो दिखता नहीं चार पाँच बजे सो रही है सॉरी जल्दी क्या जिम स्टार्ट कर दिया वैसे काम होती तो अरे तेरे तो गोल्ड में करा है ना यही गोल्ड चली जाइयो आरडीसी और क्या यहाँ बहुत है गोल्ड तीन गोल्ड हाँ तीन गोल्ड जिम मिट्टी में मिट्टी मास है 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिम के लिए यहाँ पे बता
हाँ अबे रिंकू के जिम ना ये राजा 24/7 वही गोल्ड जिम है। कुछ भी हो मैं वो नहीं मैं ना जब मैं रुकूंगी पर जिस दिन मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगी। जिम डायन नहीं है कैसे बोलती है बर्फ की सिल्लियों पे सुला रहे क्या मेंटली प्रिपेयर नहीं मान लेगा फेस वॉश दो नीम घोट के दे दो इसे। देख इसे स्किन केयर वाला कह रहा मैं समझ रहा हूँ तू तो महलाज वाले तू तो समझेगा ही। सुन जो तेरा स्किन अबे सुन जो तेरा स्किन केयर नहीं कर सकता ना उसकी एक क्रीम कर देगी गोरा एकदम लाल। तू रुक जा सुन दो सुनो तुम इसको तो रुक जा कल शूट वूट करा लियो है ना अगर मैं क्या करूँ रुक के तुमने को तो करा लियो फिर मेरे कपड़े लाते दो नए पकड़ लिया साला चोर पूरे उसको कर दी। अब देखिए अगर यही बेड पे होता तो ये कैसे पूछते हम पिछली बार तो दाल पूछ रहे टेबल पे रखवा दिया तूने भी नहीं रखवाया होगा तो बिस्तर पे लगवा देता अभी बेटा टेबल मैंने भाई मैंने की भाई आज बार अबे तो बोला गया था इसको मैसेज करके कि टेबल बाहर निकलवा दियो बोला था अभी अभी बनवा दूंगा तेरी हेयर कटिंग लंबी प्रेशर इसका निकाल दिया प्रेशर तू ले गया सारा इसका बंदे नहीं की एक बार सामान ले जाए पूरे टेबल लेके जा रहे अरे भाई तो खाना बर्तन तो उठा पहले चलो बाय अपने घर में जा रहे हैं खाना बताओ टेबल ही लगे पनीर वाली वो जो थी ना हाँ। वो आलू की तरफ पूरी गिर जाती है जा जा सही से उठा अंकल उठ गए अंकल तो मैं तो जग रहा हूँ तुम भी जग रही हो ध्यान रखना अच्छा तो जो जो बोला है ना वो सब याद है मुझे अच्छा तो मैं डर रही हूँ तुमसे बिना बात की क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्यों पता नहीं भैया थोड़ी सी डाल दे बस 5 रुपए की क्या है दीपक की अश्लीलता भाई महंगा केक है वो थोड़ी है 50 हो रहे ना अश्लीलता 50 हाँ दीपक तू हो तुम्हारी फोटो भेजने वो करा है क्या कर दिया थूक दिया अब तो इसमें फूक दे अभी कसम से ब्लॉग में दिखा दूंगी ये भगवान आला खेत गाफ वाला वापस काला जा कह रहा वापस जा ये क्या होती है अरे ये बात अलग है फिर बंदा फंस नहीं जाता बीच में अरे यहां बात अटैचमेंट वो चीज भी तो बोलो ना भाई अटैचमेंट ऑब्सेशन क्यों हो रही है यहां पर ए चुप रहो चुप हो जाओ तुम यहां पे बहुत यहां बात ऐसे चल रही है गुड्डू ने पूछा कि ना गुड्डू को मैं नेल्स दिखा रही थी आपने कहती वी आपने बना रखे ज्यादा अटैच हो विशाल से बट ऐसे कहते हैं आप ऑब्सेस्ड हो तो नहीं ये ज्यादा ऑब्सेस्ड है मेरे से ये बात तो आरवी ने भी कबूल कर ली आरवी बता दे कि दिखाता है ऐसा ये पूरा अटैच रहता है अटैच मैं बताऊं कौन किससे है विशाल भी पर अरे तू बताओ और पता है जब जब तीन सुन तो मैं तो बच्चा था मैं मेरे को क्या पता भाई इतना रिलेशनशिप के बारे में मैं वो अब वो तो बड़ी थी मुझसे वो तो भाई वो हो गई बिल्कुल सीरियस एकदम तो अब वो भी ऐसी लड़की के भाई अब झूठ नहीं बोला इसको भी ये भी फातिमा भी था और बताइए पूरे स्कूल पागल नहीं था उस लड़की के पीछे बहुत सुंदर थी भाई वो पटाल थी मैंने 3 महीने बाद मैंने छोड़ दी
तो जब मैंने छोड़ी मेरे को कह दी तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी, तुझे कभी कोई सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। बद्दुआ झूठी हो गई। मैं कहाँ मिली तेरे को? सीन तू वो कह रहा था कि उसकी शादी थी पर वो शादी वाले दिन की सॉन्ग के साथ चली गई। वो तो मेरे से बहुत बाद हुआ है। वो तो क्या हो गया दीपक, परेशान क्यों? कहानियां नहीं सुनाई जाती? अरे ये कहानियां नहीं सुनाता जब एक लड़की की एक्सीडेंट हो गया था तो घिसड़ दी थी मैंने। इसकी तो बंदी घिसड़ी थी, वो साहु के पीछे दीपक की बंदी थी, वो साहु के पीछे साहु को पसंद रहती थी वो। अरे घिसड़ी मतलब एक्सीडेंट हो गया था जब स्प्लेंडर हो गया था, ऐसा हुआ था साहु को मर के गिरा था उसपे। नहीं अरे नहीं वो साहु का पीछा कर रही थी। तू बाइक पे रहा था साहु बताऊंगा मेन बात है वही होता है ये। मैंने बाकी आगे का नहीं पता मेरे को क्या हुआ। साहु को वार्तालाप हुई उससे, कुछ भी बता तो फिर बोल क्यों रहा है। साहु की पूरा आगे बैठा था वाली दोस्त है, ये आगे बैठा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे बैठी थी। हां मैं पीछे बैठा था। गर्लफ्रेंड क्यों इसके पीछे बैठी थी? अरे भाई हम क्लब गए थे, क्लब गए थे हम लोग, क्लब गए थे। उस टाइम ऐसा था मैं भाई कैफे में बैठा रहता था पूरे पूरे हम बैठ रहे थे, थोड़ा ऐसे ही साफ था वो किलर्स के। मेरा नाम तूने ले रहा है ये भी बैठने लगे मेरे साथ। तो फिर एक दिन ले गया उसे ले आया तो वो कह रहा है क्लब में क्या करते हो, एक बार मुझे भी लेके चलो। मेरे को ठीक है चल तू भी चल। फिर मैंने चलाई बाइक, मैंने ये पीछे बैठा मेरे और इसकी उंदी मेरे इसके पीछे बैठी। बंदे क्या होते हैं वो तेरे फ्रेंड है तमिल बताइए बताइए नहीं करता था मुझे लाइक करता है नहीं तू करता था आरबी बट तूने ना मेरा हाथ भी पकड़ा था एक बार जब तू रोती थी ना। जब तू रोती थी तो कोई नहीं तेरे को संभाल तो मैं वो करता था। गार्डन में भी ये रो इसको हमेशा मैं वो करता था तो इसलिए इसको लगता होगा मैं तू विशाल भी लगाते नहीं वो छोड़ लड़ाई करके भाग जाता होगा। तो ये मेरे पास ऐसा 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 करता था देखो आओ अरे मेरी बेबी आ जा परी नहीं यार मेरे को देखता भी था वो दे तो आप बताओ मैं भाभी किसको बनाऊं ये इतने सारे ऑप्शन मेरे को तेरी वो कहां जाएंगे ना ना उसके तो कोई और है गांव में उसकी हो गई रिवी गांव में हाँ एक गांव में ऑलरेडी हाँ फिक्स है घर में अच्छी लड़कियां है बचपन का अरे कैडी कैडी है अरे कैडी कैडी है कल्लो ब्याह से भाई इसी सेट करवा दू तो इसकी सेट करवा दू ना फिर तुम्हें क्या मतलब लेकिन तुम कौन से क्या बोल रहा है ये इन्होंने भी करी है इन्होंने भी करी मैंने क्या लड़िया कम भाभी यार अच्छी है भाभी के पीछे तो कोई और भागता गाड़ी लेके भाभी के पीछे तो गाड़ी लेके जाता है सिया को भेज रही है कौन सी भाभी पीछे गाड़ी लेके आऊंगा भाई अबे रीना डाली थी तूने भाभी बुला दी मैं भाभी के पीछे भागता हूं डाल के इतना खुश हुआ ये देख के जा रहा हूं उस वीडियो को बंद नहीं हुआ मैं सोच रही लेकर मैं सोच रही इसको क्या लिखूं तो मैं एकदम यार भाभी कॉल्स में है। चलो भाई चलो बाय 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 क्या दूंगा मैं अभी बता क्या बोल सारी तरह एक सेकंड सुन ले चल कोई ना कैसे नॉन स्टॉप दिन छोड़ के इसकी जिम कितने दिन चलने वाली है एक डेढ़ महीना वो महीना कह रहा है तू बता महीना नहीं वैसे कह रहा हूँ कितने टाइम तक चलेगा तूने बोला तीन दिन और है बस हाँ तूने ये बोला तो मतलब टोटल मिला के एक हफ्ता चल अभी एक हफ्ता और है चल लिया तेरी उससे तो क्या करना तू इतना बता एक हफ्ता बोला ना मैंने मिशेल अब तूने एक हफ्ता बोला ना कि एक हफ्ता जिम जाएगी उससे बात नहीं जाएगी तू और विशाल का ही बोल ले दो किलो के वेट उठा रही है अरे दो किलो के भी नहीं चाहिए तू खुलेगा देख तू विशाल का बता ना विशाल भी जाता था भाई यार थोड़े टाइम चल रहा है क्योंकि उसमें है थोड़ा एग्जैक्ट दे वो बता दे दो आप चल ठीक है
नहीं वो कर लेगा भाई, लड़का है ना वो, लड़कियों का मुझे अभी पलटा ही, अभी वैसे विशाल रहा था, अभी उसका भी एक हफ्ता ही है। अब बता मैंने चल कटाई चल ठीक है, अगर स्टार्टिंग में मिक्स में 5 किलो दे देना। अरे भाई ये लोग बहुत लेजी है, दो दिन में चल ठीक हो जाएगी। प्रेडिक्शन करिए साहू ने, मेरा एक हफ्ते जिम, तेरा 1.5 महीने। वो तो परेशान है तुम, डॉलर सिटिंग करो, सिट हो जाओ, परेशान करते हो। तो भाई 2 दिन से ये बंदा, एक ही तो मंगाया था और क्या है, शान हो रहा है। जब 2 दिन से लगातार मेरे एयरपॉड्स ले जाता है और अब इसके हेडफोन्स आ गए, तो कल मैं ये लेके जाऊंगी। मैंने इसको पहले लाई थी गाड़ी से, पहले बता, शायद लाई हूँ यार, शायद नहीं पक्का बता। तो जब मैं भी तो बिना गानों के रह रही थी ना, तू भी कर एक दिन, मेरे लिए एडजस्ट कर। इसलिए मैं इसकी मदद पसंद नहीं करती, जब मेरी बारी आती है ना, जब मैं इसको कुछ बोलती हूँ तो ये बंदा ऐसे ही करता है, नी 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 नी। तो को मैं मत यार, वैसे ही सर दर्द हो रहा है। क्या मैं अब तो, तू कल से मेरे को पूछेगा भी नहीं क्या है। अरे ऐसी लगा के दिखाते कैसा लग रहा है। अरे ऐसी लगा दे यार, तू भी ड्रामे करता है, वैसी स्पेस नहीं है फोन में मेरे। अब एक्सरसाइज कर ले, जबरदस्ती गाने चलवा रहा है उसके, चला पिटेगा, सुन के देखा तू भी। अच्छा यार बाहर तक आ रही है, तो वो तो अभी शांति कितनी है, अभी तो एक रात का टाइम है। नहीं अच्छा लगेगा।